शब्द नहीं है मेरे पास कि जिस तरह से लोग यहाँ जमा हुए हैं और जो हमारे शो को ये चाहते हैं, एक्चुअली हमारी हिस्ट्री को चाहते हैं कि हमारे सामने आए और हम उसे देखें। क्या कोशिश कर रहे हैं इस शो को वापस लाने के लिए? कोशिश हमारी हम सबकी है, इनफैक्ट सिर्फ हमारी नहीं, हम सब कलाकार भी हैं यहाँ पर। इन्होंने हमसे कहा कि, हमने कहा कि नहीं, मुंबई में तो हम ज़रूर पहुँचेंगे, इससे पहले हर जगह हुई, तो कोशिश नीति से है, अपने ईश्वर से है कि हम लोगों के सामने फिर से आएँ और अपनी हिस्ट्री को रख सकें। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अचानक? बहुत अच्छा, मतलब मेरी लाइफ टाइम, मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये एक ऐसा अनोखा मोड़ है जिस पर मैं अभी भी चलना चाहता हूँ, और इसीलिए शायद इनके साथ मैं भी 4 महीने से इसी जद्दोजहद में हूँ कि ये शो वापस आए और मैं भी और ये भी हम सब वापस जुड़ सकें। क्या लगता है आपको? ज़रूर आएगा, अभी बस इन दिनों में ही आपको न्यूज़ मिलेगी। व्यूअर्स को मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो आपका प्यार है, जो आपका स्नेह है हमारे लिए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, और अपनी हिस्ट्री से जिस तरह से ये दिखाते हैं कि इसने, ये शो ने ये ज़रूर दिखा दिया, बड़ा अच्छा मैसेज था उस दिन कि अखंड भारत बनाने का प्रयास जो उस वक्त हुआ था वो आज ईस्ट से शुरू हुआ, नॉर्थ से शुरू हुआ, ईस्ट, साउथ और अब वेस्ट में है, तो हम सब मिल चुके हैं आपस में। देखिए यहाँ कोई आपस में एक दूसरे को जानता नहीं है, लेकिन सब एक साथ हैं, तो ये एक अच्छा। स्वागत है एक बार फिर से ऑनलाइन अपला इंडिया में। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखकर आप लोग कुछ समझ गए होंगे कि आखिर में उस टाइम भी बहुत ही ज़्यादा झमेला हुआ था, क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य बंद कर दिया गया तो उसके जो भी फैन फॉलोइंग थे, बहुत से लोग रोड पे उतर गए थे, प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है। ये उसी टाइम का वीडियो है, क्योंकि इमेजिन टीवी जो है बंद कर दिया गया था। इमेजिन टीवी पहले था NDTV, इमेजिन टीवी, ठीक है, तो NDTV अलग हो गया, इमेजिन टीवी अलग हो गया, उसके बाद से इमेजिन टीवी को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होने लगा, जिसकी वजह से चैनल को बंद करना पड़ा। पहले साइन हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य के 125 एपिसोड बनेंगे, लेकिन अभी तक 105 ही बन पाए थे। उसी टाइम जो है इमेजिन टीवी ने अपना खुद का चैनल जो है बंद कर दिया। उस टाइम जो भी लोग फैन फॉलोइंग था चंद्रगुप्त मौर्य के, जो भी देखने वाले थे, उन्होंने रोड पर उतर के धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ये उसी टाइम का वीडियो है, ये मनीष वाडवा जी हैं जिन्होंने रोड पे उतर के प्रदर्शन किया था कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य फिर से लाया जाए, ठीक है। बहुत से लोगों, इसकी हमारी संस्कृति है, इसको लोगों को दिखाना चाहिए, हमारा इतिहास है, तो इसके लेके उस टाइम ये वीडियो था। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ ये दिखाना बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी जाने इसके बारे में, ठीक है। बहुत से लोग अभी भी सर्च करते हैं कि 105 के आगे से एपिसोड नहीं मिल रहा, तो उसके आगे बना ही नहीं था, इसलिए आप लोग नहीं देख पाए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। शब्द नहीं है मेरे पास कि जिस तरह से लोग यहाँ जमा हुए हैं और जो हमारे शो को ये चाहते हैं, एक्चुअली हमारी हिस्ट्री को चाहते हैं कि हमारे सामने आए और हम उसे देखें। क्या कोशिश कर रहे हैं इस शो को वापस लाने के लिए? कोशिश हमारी हम सबकी है, इनफैक्ट सिर्फ हमारी नहीं, हम सब कलाकार भी हैं यहाँ पर। इन्होंने हमसे कहा कि, हमने कहा कि नहीं, मुंबई में तो हम ज़रूर पहुँचेंगे, इससे पहले हर जगह हुई, तो कोशिश नीति से है, अपने ईश्वर से है कि हम लोगों के सामने फिर से आएँ और अपनी हिस्ट्री को रख सकें। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका अचानक? बहुत अच्छा, मतलब मेरी लाइफ टाइम, मतलब ये कह सकते हैं कि मेरी लाइफ में ये एक ऐसा अनोखा मोड़ है जिस पर मैं अभी भी चलना चाहता हूँ, और इसीलिए शायद इनके साथ मैं भी 4 महीने से इसी जद्दोजहद में हूँ कि ये शो वापस आए और मैं भी और ये भी हम सब वापस जुड़ सकें। क्या लगता है आपको? ज़रूर आएगी, अभी बस इन दिनों में ही आपको न्यूज़ मिलेगी। व्यूअर्स को मैं सिर्फ ये कह सकता हूँ कि जो आपका प्यार है, जो आपका स्नेह है हमारे लिए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, और ऐसे ही हमें प्यार देते रहें, और अपनी हिस्ट्री से जिस तरह से ये दिखाते हैं कि इसने, ये शो ने ये ज़रूर दिखा दिया, बड़ा अच्छा मैसेज था उस दिन कि अखंड भारत बनाने का प्रयास जो उस वक्त हुआ था वो आज ईस्ट से शुरू हुआ, नॉर्थ से शुरू हुआ, ईस्ट, साउथ और अब वेस्ट में है, तो हम सब मिल चुके हैं आपस में। देखिए यहाँ कोई आपस में एक दूसरे को जानता नहीं है, लेकिन सब एक साथ हैं, तो ये